अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शीरन काजी। आज हम बना रहे हैं वेज मेयोनीज सैंडविच। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। देखिए मैंने भी इधर एक पैन रख लिया। पैन में अभी हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज में कटी हुई प्याज। प्याज को अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और बारीक कटी हुई गाजर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अभी हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें दूसरे वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच नमक। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स करके इस गैस को ऑफ कर लेंगे और इसको दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मैंने वेजिटेबल्स को एक बाउल में निकाल लिया। अभी हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच वेज मेयोनीज और दो छोटे चम्मच टमाटो केचप। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। चलिए अब हम इसकी सैंडविच बना लेंगे। देखिए मैंने भी इधर चार ब्रेड के पीस ले लिया है। मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अभी हम इस पे वेजिटेबल्स को रख देंगे। अभी हम दूसरे ब्रेड के पीस को इस पे रख देंगे। देखिए हमारा सैंडविच बन के रेडी है। चलिए अब हम इसी तरह दूसरे सैंडविच को भी बना लेंगे। देखिए मैंने दूसरे सैंडविच को भी बना लिया। इसको कट कर लेंगे। चलिए अब हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहे तो सैंडविच को थोड़ा सा बटर डाल के तवे पे सेक भी सकते हैं। मैंने नहीं सेका है, आप चाहे तो सेक लें। देखिए मैंने सैंडविच को कट कर दिया है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए मैंने इधर सर्व कर लिया वेज मेयोनीज सैंडविच को। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं सैंडविच। आप इसको ब्रेकफास्ट टाइम पे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।